हेलो भाई लोग, कैसे हो। मैं हूं आकाश, आप देख रहे हो मेरा चैनल पोस्ट गैजेट गेमर। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे रियलमी 12 प्रो का। मेरे पास है 12 GB रैम, 256 GB वाला वेरिएंट। आज हम लोग फ्री फायर खेलेंगे, BGMI खेलेंगे और COD भी खेलेंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा। आप लोग प्लीज़ यार वीडियो में बने रहो और प्लीज़ यार एक छोटा सा लाइक प्यारा सा सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, तो पहले दोस्तों देख लेते हैं बॉक्स में क्या क्या मिलता है। फ़ोन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, 22,000 का प्राइस है आसपास। ठीक है, आप चाहो तो ले सकते हो। तो ये रहा हमारा फ़ोन, यहाँ पे शायद कवर वगैरह होगा, तो चलो देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ओके चलो, ऊपर में शायद कुछ स्टिकर वगैरह है, नीचे आपको पिन मिल जाता है, कुछ मैनुअल गाइड्स वगैरह मिल जाता है और एक सॉफ्ट केस आपको दिया गया है। ठीक है, आप देखते हैं और क्या क्या मिलता है। यहाँ पे फ़ोन को थोड़ा साइड कर देते हैं, नीचे देख सकते हो आपको एक एडाप्टर मिल जाता है 67 वाट का। ठीक है, फ़ोन में 5,000 का बैटरी है, तो एक घंटे के अंदर फ़ोन फुल चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक केबल मिल जाता है। आप दोस्तों फ़ोन पे आते हैं तो देख सकते हो पीछे आपको वीगन लेदर मिलता है। फ़ोन का लुक्स बहुत ही अच्छा है, प्रीमियम फिनिश है। ठीक है, कैमरा मॉड्यूल थोड़ा यहाँ पे बड़ा है। ऊपर में आपको नॉइस कैंसलेशन माइक स्पीकर मिल जाता है, मेटालिक फिनिश आप देख सकते हो, लेकिन मेटल नहीं है, प्लास्टिक है। 3.5 mm जैक नहीं मिलता, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है दोस्तों। ठीक है, तो फ़ोन दोस्तों बहुत ही लाइट वेट है, आप देख सकते हो, हैंडी भी है अब। और दोस्तों लुक्स दोस्तों बहुत ही मुझे अच्छा लगा। ठीक है, डिस्प्ले भी फ़ोन में ठीक ठाक है, 6.7 इंच का एक फुल HD OLED डिस्प्ले आपको मिलता है, 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। ठीक है, और यहाँ पे 950 पीक ब्राइटनेस है, तो ब्राइटनेस भी दोस्तों अच्छा खासा दिया गया है। इस फ़ोन का जो मेन हाईलाइट फीचर्स हुआ है दोस्तों कैमरा, पीछे आपको 3 कैमरा मिल जाता है, 50MP का मेन कैमरा, 32MP का एक टेलीफोटो और 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा। सामने आपको 16MP का सेल्फी मिल जाता है। दोनों कैमरा से आप 1080 60fps और 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा फ़ोन यहाँ पे ऑन हो चुका है। आप सेटिंग पे जाके यहाँ पे मैं पॉइंटर स्पीड को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, उसके पहले दोस्तों आपको एक बार दिखा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास है 12 GB वाला वेरियंट, यहाँ पर रियलमी 5.0 पे चलता है। आप चाहो तो फ़ोन को ले सकते हो दोस्तों। यहाँ पर कहाँ गया, चलो फ़ोन में दोस्तों डुअल स्टेडियो स्पीकर है, आप गेम वगैरह खेलो, मूवी वगैरह देखो, एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब चलो यार गेम पे जाते हैं। हमारे यहाँ पे फ्री फायर ओपन हो चुका है, तो चलो भाई लोग एक बार सेटिंग्स आपको दिखा देते हैं। मेरा सेंसिविटी देख सकते हो ऐसा है। ठीक है, और यहाँ पर डिस्प्ले देखो, यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर मैक्स पे सेट है। ठीक है, तो थोड़ा मैं यहाँ पर चलो, आप दोस्तों हम लोग ट्रेनिंग पे जाते हैं और एक बार दिखा देते भाई। ठीक है, गेम कैसा चल रहा है साइड में देख सकते हो। यहाँ पे जो सारे एडिशनल फीचर्स जो मिल जाते हैं, वॉइस चेंजर है, लॉक स्क्रीन है और भी बहुत कुछ ऑप्शन है यहाँ पे है, आप एक बार देख लेना। बहुत बंदे कमेंट करते हैं यार वॉइस चेंजर है या नहीं, भाई वॉइस चेंजर है, आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर डेजर्ट लूँगा, MP40 लूँगा और यहाँ पर एक 2 शॉटर ले लूँगा, आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा फ़ोन कैसा है। ठीक है, और मैं आखिर में बताऊंगा ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं, तो थोड़ा आप गेम प्ले को देखो यार, आपको समझ में आ जाएगा। इस फ़ोन में दोस्तों स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, 6th Gen 1 प्रोसेसर है, एकदम नया प्रोसेसर है। ठीक है, तो मान सकते हो भाई स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर है ज़्यादा हीट नहीं होता और गेम जो है भाई आराम से हैंडल कर लेता है। एंटीटू स्कोर, अरे यार मर गया, चलो यार कोई बात नहीं। तो पहले हम लोग डेजर्ट से ट्राई करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग MP40 चलाएंगे। देखो भाई लोग, भाई सेंसिटिविटी भाई बहुत ही ज़्यादा है, भाई मेरे से तो हैंडल नहीं हो रहा, देखो, अरे यार देखो भाई लोग देखो, तो थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो रुक जाओ भाई, अभी गेम थोड़ा बाकी है। देखो भाई लोग, अगर आप ठीक से खेलोगे तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा। ठीक है, अरे यार, तो चलो कोई बात नहीं, आप MP40 से फायर करते हैं। चलो बहुत हो गया, वन टैप के बारी आ गया,
खत्म। तो इसी बात पे यार वीडियो को लाइक कर देना। चलो यहाँ पे बंदे तो आना चाहिए। चलो ये तो बॉडी शॉट से ही ख़त्म हो गया, इसको MP40 से ले लूँगा। देख सकते हो भाई फ़ोन एकदम स्मूथ है, आराम से आप हैंडल कर सकते हो। इस फ़ोन में दोस्तों आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल जाता है जिसके एमटू स्कोर है अराउंड 6 लाख। तो आप कोई भी गेम, ठीक है, हेवी से हेवी गेम आप आराम से खेल सकते हो, तो कोई परेशानी आपको नहीं होगा। और फ़ोन में दोस्तों आराम से आपको 3 साल तक अपडेट मिल जाएगा, तो 3 साल 4 साल आप आराम से चला सकते हो। लेकिन भाई रियलमी का जो फ़ोन होता है भाई बहुत ज़्यादा ऐड आता है, मतलब शुरू में तो नहीं आता लेकिन 2 साल बाद 3 साल बाद ऐड आना स्टार्ट हो जाता है, तो एक दिक्कत वाली प्रॉब्लम है। और फ़ोन के अंदर जो हॉट गेम्स वगैरह, हॉट ऐप्स वगैरह सब कुछ मतलब पहले से ही है, तो ये थोड़ा मुझे प्रॉब्लम लगा। मेरे को एकदम नीट क्लीन एक्सपीरियंस चाहिए। तो रियलमी फ़ोन ठीक है, फ़ोन को मैं बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन इसका जो हॉट गेम्स हॉट ऐप्स वगैरह आते हैं ना दोस्तों बहुत ही ऐड आता है, तो ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही मक्खन चल रहा है जो भी बोलो। अरे यार लग जा। चलो भाई तो यहीं पे दोस्तों हम फ्री फायर को दोस्तों ख़त्म करते हैं, क्योंकि भाई वीडियो भी लंबा हो रहा है और BGMI भी खेलना है, COD भी खेलना है। ए राउंड के बाद हम लोग BGMI खेलेंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को देखो यार, एंजॉय करो, और प्लीज़ यार एक छोटा सा लाइक और प्यार से सब्सक्राइब कर देना। तो भाई लोग चलो आप BGMI को थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग सेटिंग्स देख लो एक बार। यहाँ पे आप अल्ट्रा HDR पे खेल सकते हो, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी बात है। 90 FPS पे आप आराम से खेल सकते हो, ठीक है। स्मूथ एक्सट्रीम पे भी खेल सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे अल्ट्रा HDR पे खेलूँगा। तो चलो मैं यहाँ पे BGMI नहीं खेलता, इतना अच्छा था मुझे खेलना नहीं आता। मैं एक्चुअली फ्री फायर प्लेयर हूँ, तो एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ग्राफिक्स बहुत ही अच्छा है, जायरो भी ठीक ठाक काम कर रहा है, एकदम स्मूथ चल रहा है फ़ोन, देखो। लेकिन मैं भाई एक नूब हूँ तो मुझे इतना अच्छा खेलना नहीं आता। शायद यहाँ पे बंदे को होना चाहिए, देखो सामने बंदा है, लेकिन भाई मैं मूवमेंट ज़्यादा नहीं कर सकता। अरे यार देखो ऊपर में, अरे यार मर गया। तो चलो कोई बात नहीं, आप थोड़ा COD भी खेल के आपको दिखा देते हैं। तो पहले आप लोग सेटिंग देखो, यहाँ पे आप आराम से 120 FPS पे खेल सकते हो COD, ठीक है। COD भाई एक अच्छा गेम है, आप चाहो तो खेल सकते हो। कौन कौन भाई COD खेलना चाहते हो भाई मेरे साथ, भाई कमेंट कर देना यार, खेलेंगे भाई, ज़रूर खेलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई एकदम गेम एकदम स्मूथ चल रहा है, और जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है दोस्तों बहुत ही यहाँ पे अच्छा है, जो भी बोलो यार। सारे गेम आप आराम से खेल सकते हो, इतना ज़्यादा हीट भी नहीं होता, आप आराम से एटलीस्ट 2 साल 3 साल तक चला सकते हो। आप दोस्तों आते हैं मेन मुद्दे पे, ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं। देखो भाई लोग रियलमी मुझे पसंद है लेकिन इतना खास नहीं। इस प्राइस रेंज के अंदर आपको मोटो मिल जाएगा, इन्फिनिक्स का GT20 Pro मिल जाएगा, ठीक है, IQ का और भी मॉडल मिल सकता है जो कि इससे भी सस्ता है, तो वो एक बार आप देख सकते हो। बाकी पैसा आपका है, मर्ज़ी आपका है, ठीक है। लेकिन मैं दोस्तों रियलमी नहीं सजेस्ट करता गेमिंग के मामले में, क्योंकि भाई इसमें जो ऐड आता है ना भाई इतना अच्छा नहीं लगता। बाकी फ़ोन एकदम मस्त चलता है, जो भी बोलो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो इसका जो हॉट गेम्स हॉट ऐप्स वगैरह है मुझे अच्छा नहीं लगता। तो भाई लोग कोई भी कमेंट है तो कर देना यार इस फ़ोन के रिलेटेड। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए यार बाय बाय।